मैंने ओपनली कहा था कि ना शाहरुख ना अजय देवगन ना अक्षय ना टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान, बिकॉज जो फेस चाहिए शक्तिमान का वो इनमें से किसी के पास नहीं। क्यों नहीं हो रहा है शक्तिमान का कमबैक? और शक्तिमान वापस तो आ रहे हैं, ऐसे एक एक दो दो महीने के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन जिस चीज का इंतजार है भाई वो लेकर ही नहीं आ रहे। दैट इज शक्तिमान की जो मूवी का हम इंतजार कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, उसका कोई अता पता ही नहीं है। और मुझे लगता है शक्तिमान जो शो था उसमें था विलेन किलविश, हाँ, पर इसका जो विलेन है वो खुद है शक्तिमान। मुकेश खन्ना जो जैसी हरकतें कर रहे हैं इसको लाने में, लग रहा है कि यार ये नहीं आ पाएगा। और पता है कितनी बुरी चीज कर रहे हैं यार वो शक्तिमान, जो हमारे बचपन का लाइक फेवरेट सुपर हीरो हुआ करता था, अब वो मीम मटेरियल बन गए हैं यार सबके लिए। और अब वो लेकर आए हैं हाउस ऑफ शक्तिमान। अभी हाउस ऑफ शक्तिमान क्या है भाई? दुकान खोली थी हमने हाउस ऑफ शक्तिमान की, पप्पू अप्पू घर में दिल्ली में 6 महीने रखी थी वहां पर। अप्पू घर में, दिल्ली के अप्पू घर में हमने हाउस ऑफ शक्तिमान का जो स्टॉल है वो लगाया था, वहां पे आप लोगों ने प्रोडक्ट्स खरीदे। और आप लोग पूछ रहे हो कि अब हम फिर से ये प्रोडक्ट्स कहाँ से खरीद सकते हैं? ये जैसे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, since so many of you asked me, तो मैं बता रही हूँ। A lot of you have been asking, कोई नहीं पूछ रहा यार, कोई नहीं, किसी को पता भी नहीं है कि शक्तिमान के प्रोडक्ट्स आते थे। और हाउस ऑफ शक्तिमान में वो मग्स हैं जिनके ऊपर वो शक्तिमान का लोगो होगा या शक्तिमान की पिक्चर बनी होगी, टी शर्ट्स हैं और भी ऐसे ही 2-3 चीजें होंगी। ये वाले जो 10 साल पहले अगर तुम ये वाले मर्च लेकर आओ, आजकल तो हर यूट्यूबर की ऐसी मर्च है जिसपे उनका लोगो उनकी शक्ल लगी हुई है। और ये ना कुछ कुछ तो टाइम से बहुत पीछे चल रहे हैं यार। जैसे आज से 2 साल पहले जब इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कि शक्तिमान की मूवी आने वाली है, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड और सबके दिल में इज्जत थी। फिर ये 2 महीने बाद आते हैं, फिर ये कहते हैं कि मैं ऑडिशन ले रहा हूँ, फिर ये पहले एक हीरो को रिजेक्ट करते हैं, रणवीर सिंह को रिजेक्ट करते हैं, फिर ये टाइगर श्रॉफ को रिजेक्ट करते हैं, अब कह रहे हैं कि कार्तिक आर्यन बनना चाहते हैं शक्तिमान, अब उनको भी रिजेक्ट कर देंगे। किसी ने उन लोगों से पूछा, उन एक्टर से पूछा कि आप बनना चाहते हो शक्तिमान? नहीं, रणवीर सिंह तो बनना चाहते थे अकॉर्डिंग टू मुकेश खन्ना, वो बनना चाहते थे पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला आप एक्टर बहुत अच्छे हैं पर आप शक्तिमान नहीं बन पाएंगे। शक्तिमान बनने के लिए आपके अंदर अलग ही शक्ति होनी चाहिए, अलग क्वालिटी। इनकी बातें मुझे सुन के लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी एक रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए। हाँ, और ये एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हैं यार, जहाँ पे ये ही शक्तिमान है और वो अभी तक चल रहा है शक्तिमान। मुझे लग रहा है मुकेश खन्ना को लग रहा है कि शक्तिमान इज अ रियल पर्सन और हर लोग दीवाने हैं, लोग बच्चे पागल हो रहे हैं कि शक्तिमान आ गया शक्तिमान आ गया। कोई नहीं है, बट एज अ 90s किड मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शक्तिमान देखने में। मतलब हाँ देखिए यार, हमारे बचपन की तो बहुत अच्छी मेमोरी है शक्तिमान के साथ, है ना। क्या आप थिएटर में जाएंगे 300 रुपए खर्च करके शक्तिमान की पिक्चर देखने जाएंगे? और स्पेशली ऐसा एटीट्यूड देख के कि शक्तिमान कोई नहीं बन सकता, मैं ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन कराऊंगा और फिर देखूंगा। मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे, अक्षय कुमार क्यों नहीं लगे, आप बताइए मेरे को। विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। और पता है उन्होंने ये भी बोला कि शक्तिमान को कोई बड़े स्टार की जरूरत नहीं है, कोई भी अच्छा एक्टर हो और ऐसा हो जिसके ऊपर ये जो शक्तिमान का कॉस्ट्यूम है ये सूट करे, वही शक्तिमान बन सकता है। और शक्तिमान को किसी बड़े एक्टर की जरूरत नहीं है और इस दुनिया को शक्तिमान की भी जरूरत नहीं है। वी डोंट नीडेड यार, शक्तिमान बढ़िया था। और मुझे लगता है जितने भी लोगों ने ये रिक्रिएट करने की कोशिश करी है अपने सक्सेसफुल सीक्वल्स, फेल ही हुए हैं। हाँ, और अगर शक्तिमान इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, इतनी फेमस है, इतना नॉस्टैल्जिया अटैच्ड है, तो उसे रिक्रिएट करके खराब मत करो। और पता है सोनी वाले जो हैं वो बनाना चाहते हैं ये मूवी, लेकिन ये भीष्म इंटरनेशनल के साथ मिक्स होके जो ये डिले हो रहा है इतना प्रोजेक्ट, है ना, तो लोग भी कह रहे हैं कि सर प्लीज सोनी इंटरनेशनल को बना लेने दो यार, उनको बना लेने दो मूवी, सो दैट जो थोड़ी बहुत क्रेज हमारे दिल में है यार कि ठीक है यार शक्तिमान का इंतजार है वो तो बचा रहे, लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसे इज्जत डाउन डाउन होती जा रही है बिल्कुल। और इसके बीच में उन्होंने जो रणवीर सिंह की बेइज्जती करी है यार, पहले से ही रणवीर सिंह के दिन अच्छे नहीं चल रहे, उनकी बीवी ट्रोल हो रही है, डॉन 3 ऑलमोस्ट शेल्व होने वाली है, और अब पता चलता है कि वो शक्तिमान से रिजेक्ट हो गए। और ठीक है, एक होती है रिजेक्शन की, ठीक है भाई 4 लोगों में हुई, ये तो शक्तिमान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रहे हैं कि आया था वो 3 घंटे बैठा था मेरे ऑफिस में, वो मुझे मना रहा था कि मैं बन सकता हूँ शक्तिमान, लेकिन मैंने कहा नहीं तू नहीं बन सकता। और ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में सुपरमैन या फिर ऐसी सुपर हीरो वाली पिक्चरें बनती है वो चलती है। हाँ, अब कुछ अगर रेफरेंस हो कि यार ऐसी पिक्चर चली है तो अब यही बनाते हैं, ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, एक क्रिश था ऐसे क्रिश चला था पर उसके बाद कुछ चला नहीं है। एक टाइगर श्रॉफ की भी आई थी, हाँ, फ्लाइंग जट
तो थोड़ा सा उन्हें आइडिया मिल जाना चाहिए कि इस जॉनर में हम बहुत प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं आपके शक्तिमान को, पर अब मत बनाओ, पर मत बनाओ, वो इज्जत बची रहने दो, क्योंकि अगर आपने बनाई या तो मार्वल लेवल की बनाओ है ना, कि ऐसे वाले सुपर हीरो बना दो आप, ठीक है, और अगर नहीं बनाओगे और वैसे ही बनाओगे जैसे इन्होंने ये शक्तिमान रिटर्न्स का एक गाना बनाया है, तो फिर रहने ही दो यार। पर इनको तो लग ही रहा है कि आयरन मैन से कम थोड़ी ना शक्तिमान। हाँ, अरे आयरन मैन से, आयरन मैन तो ट्यूशन लेने आता है इनके घर में, सिखाओ मुझे। बिल्कुल शक्तिमान बिल्कुल ही ऐसी बातें कर रहे हैं। और मुकेश खन्ना जी जो है उन्होंने एक नया जो हाउस ऑफ शक्तिमान खोल दिया, मुझे लग रहा है ये इनकी कुछ, इनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसा यार हो रहा है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे प्रोडक्ट्स कहीं और नहीं आएंगे, अमेज़न पे नहीं आएंगे, हम अपना पेज बना रहे हैं। सोचो अमेज़न ने रिप्लाई नहीं करे, हाउस ऑफ शक्तिमान खोल ले, अमेज़न वाले सीन करके छोड़ दिया, उनका शो बोल रहे हैं, तो हम अमेज़न पे नहीं डाल सकते क्योंकि हम अपने से बेचना चाहते हैं। हाँ यार देखो, मुकेश खन्ना बहुत बढ़िया एक्टर है यार, ये कर सकते हैं, जैसे मतलब आप बढ़िया रोल्स करो ना, अभी अपने एज वाले रोल करो तो क्यों नहीं जनता आपको पसंद करेगी, करेगी, फिर आप मीम मटेरियल क्यों बनोगे? हाँ, आपका होगा कमबैक, पर शक्तिमान के थ्रू नहीं होगा, हमें ऐसा लगता है। तो हमारी एडवाइस है कि आप शक्तिमान को रहने दो, अभी ये कॉस्ट्यूम अब जाने दो, और हम भूल जाएंगे कि आपने कभी अनाउंसमेंट करी थी कि आने वाले शक्तिमान। सब इधर उधर देखने लगेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने कभी ये बोला था। पर क्या आप लोग एक्साइटेड हैं कि शक्तिमान की पिक्चर आए और आप देखने जाएंगे उसको, या फिर मुकेश खन्ना जी जो हैं वो खराब कर रहे हैं सीरीज को, ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया। मेरा नाम है निकिता। आप देख रहे हैं स्विच।